अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान जफर पाक US मीडिया की तरफ से आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। जैसा कि आपको पता है कि हम पाक US मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम लेके आते हैं, तो आज जो प्रोग्राम है वो आज बेलमोर मस्जिद जो लॉन्ग आइलैंड में वाक़ है वहाँ पे सीरत नबी के हवाले से मौलाना वहाँ के इमाम जो है मस्जिद के बेलमोर मस्जिद के मौलाना इम्तियाज़ुर रहमान थानवी साहब वो बयान देंगे, तो उसके बारे में आपको जो है वो अच्छी अच्छी मालूमात मिलेंगी। और उसमें जो है वो उनका बयान जो है हमेशा बहुत अच्छा होता है, सुनने के लिए होता है, आप सब लोग सुने। चलें आप चलते हैं बेलमोर मस्जिद में। महीना रबीउल अव्वल का महीना है और पिछले दो हफ्तों से उसी मुनासिबत से हम कुछ न कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और आज भी इंशाअल्लाह कुछ उसी सिलसिले में और उसी मौजू की मुनासिबत से गुफ्तगू होगी। गुज़श्ता गुफ्तगू में अगर आपको याद हो तो मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, आपका दुनिया में आना, ये एक बहुत बड़ी नेमत है और कुरान करीम की वो आयत भी आपके जहन में होगी जो मैंने तिलावत की थी कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिन मुबीन। कि अल्लाह ताला खुद ये फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एहसान अजीम किया कि उन्हीं में से उन्हीं के अंदर से एक अजीम शान रसूल और पैगंबर अल्लाह ने मबऊस फरमाए और जिनको अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया गोया बयान फरमाई कि यतलू अलैहिम आयातिही, वो पैगंबर और रसूल ऐसे हैं कि जो इनके सामने अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं, वयुज़क्कीहिम इनकी इनको पाक व साफ करते हैं, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा इन्हें किताब इलाही और हिकमत की तालीम देते हैं, व इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिन मुबीन और आपकी तशरीफ आवरी से पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े हुए थे। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अगरचे मैंने अर्ज किया था कि एक तवील जमाना आपकी विलादत को गुजर गया लेकिन इसके बावजूद बहरहाल मुसलमान जब भी ये महीना आता है तो अपनी अकीदत अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए इन दिनों में तज़किरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अगरचे जाहिर है कि मैं ये बात साफ तौर पर अर्ज करता चलूं कि आपके दुनिया में आने के तज़किरे को या आपकी सीरत के बयान को अगर हम सिर्फ किसी जमाने के साथ महदूद कर दें तो ये बहरहाल नाइंसाफी की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जमानों के लिए तशरीफ लाए तो भी आपका तज़किरा होगा, जहां भी आपका तज़किरा होगा वो यकीनन मेरे और आपके लिए बाइस अजर और बाइस सवाब होगा, इसलिए कि आप की सीरत को किसी जमाने या वक्त के साथ महदूद कर देना ये कोई इंसाफ की बात नहीं। बहरहाल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मैंने ये बात भी अर्ज की थी कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिल रहा है, अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो रही है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। और हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर में ये बात लिखी है कि फजलुल्लाह और बिरहमतिही दो लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाए हैं, तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फजलुल्लाह से मुराद कुरान करीम है और रहमत से मुराद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बहरहाल
इसी मुनासबत से हम जमा होते हैं और आपका तज़किरा करते हैं। कुछ भी कहा जाए, इतनी बात बहरहाल नुमाया और वाज़े है कि हर मोमिन के कल्ब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और महब्बत बहरहाल है। अब उस महब्बत का मेयार क्या होना चाहिए, उस अजमत का मेयार क्या होना चाहिए, ये एक अलग बात। और अगर देखा जाए तो वो किसी शायर ने हमारी नक्शा कशी की है कि न वो इश्क में रही बिजलियां, न वो हुस्न में रही खूबियां, न वो गजनवी सी तड़प रही, न वो खम है जुल्फ अयास। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तज़किरा होता है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि हम जिस मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये अगरचे 1400 साल से एक सिलसिला चला आ रहा है, और सीरत के जलसे मेरी और आपकी जो उम्रें हैं, हम देखते हैं कि हर साल बाहर हाल मुनाकिद होते हैं, और एक जगह नहीं सैकड़ों जगह सीरत के जलसे मुनाकिद होते हैं। लेकिन असल देखने की बात यह है कि वो सीरत का जलसा सुनने के बाद, रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को सुनने के बाद, अगर मैं और आप अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो क्या उसका कोई परतो कोई अक्स हमें नजर आता है? देखने की बात, अगर वो नजर आता है तो वल्लाह हमसे ज्यादा खुशकिस्मत पूरी बात है। लेकिन फिर हमें एक कोशिश करनी है, एक जिद्दोजहद करनी है कि हमारी जिंदगियों में वो बात आए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक हिकायत लिखी है, बल्कि शायद उन्होंने किसी के बारे में लिखी है कि एक आदमी किसी पर आशिक हो गया और अब उसको बड़ा यकीन दिला रहा है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी जुल्फें बहुत अच्छी हैं, उसकी गोया तारीफ कर रहा है और गोया उसे यकीन दिला रहा है कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत और उल्फत। उसने कहा कि अच्छा मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता या लेती हूं, जो भी आप कह रहे, क्योंकि माशूक आम तौर पे उसको मुजक्कर के सेंस में होता जाता है। तो उसने कहा इम्तिहान होगा? उसने कहा कोई बात नहीं, जो मर्जी इम्तिहान लो। तो उसने कहा कि अच्छा फिर तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। अब वो चलता जा रहा है तो उसे समुन्द्र के किनारे लेकर चला गया वो माशूक और पानी में उतर रहा। अब ये माशूक तो तैरना जानता नहीं, वो जब कुछ ऐसे एहसास हुआ रुका तो उसने कहा भाई तुम रुक गए। वो थोड़ा और आगे गया, घुटनों तक आया, फिर थोड़ा खदशा महसूस हुआ फिर रुक गया, थोड़ा और आगे गया तो जब जानू तक और यहां तक पानी आ गया तो कहने लगा बस मेरा इश्क सर जानू तक, इससे आगे नहीं। तो शेख सादी ने लिखा है हमारी मोहब्बतों का भी कुछ ऐसा ही हाल कि हम इश्क और मोहब्बत का इजहार सुनना तो चाहते हैं लेकिन क्या वाकईतन वो हमारे अंदर पैदा भी हो रहा। मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक आदमी बहुत अरसे तक एक अपने माशूक के लिए तड़पता रहा और उसके फिराक और उसकी जुदाई के गोया के वो किस्से बयान करता रहा और बस ये कोशिश करता रहा कि कभी मुलाकात हो जाए। तो बहरहाल बड़ी तगोदौ के बाद उसने इजहार किया कि अच्छा आज रात 12 बजे में मुलाकात। अब ये आदमी जाके एक जगह बैठ गया, जो जगह मुतय्यन हुई थी वहां जाके बैठ गया। अब इंतजार कर रहा है, इंतजार करते करते आंख लग गई, हजरत सो गए। अब वो महबूब जो था वो कोई घंटा डेढ़ घंटा लेट पहुंचा तो देखा क्या कि मेरा आशिक तो खर्राटे ले रहा। तो इस महबूब के जेब में कुछ अखरोट थे तो इसने अखरोट उसकी जेब में डाल दिए और कोशिश करके थोड़ा सा दामन भी उसका फाड़ दिया, कुछ आस्तीन भी फाड़ दी और वापस आ गया। अब ये जब इसकी आंख खुली तो हो इसको तो अफसोस हुआ, लेकिन जेब में हाथ डाला तो अखरोट जेब में पड़े, इधर देखा तो आस्तीन फटी हुई है, इधर देखा तो दामन भी फटा हुआ। तो मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असल में उस माशूक ने इसको ये जवाब दिया
कि जो लोग किसी पे आशिक होते हैं वो तुम्हारी तरह सोते नहीं हैं, वो रात आंखों में काट देते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। कि जा रहा हूं कि अभी तुम इश्क के अंदर तिफले मकतब, जाओ अखरोट खेल जाओ, तुम आशिकी के दर्जे पर नहीं पहुंचे। किसी फारसी के शायर ने कहा है कि बयक जख्मे तू बयक जख्मे गुरेजानी से इश्क, तू बजुज नामे चे दानी जे इश्क। कि एक छोटी सी तकलीफ पहुंच जाए तो सब इश्क हवा हो जाता है। मालूम हुआ नाम तो इश्क का सुन रखा है लेकिन असल इश्क की हकीकत क्या बोल पड़े। तू बजुज नामे नमी दानी चे इश्क, तू बयक जख्मे गुरेजानी से इश्क, तू बजुज नामे नदम नमी दानी से इश्क। तुझे नाम तो सुना है लेकिन ये नहीं। इसीलिए जब उलमा मिसाल देते हैं वो कहते हैं हजरात सहाबा में मिसाल देखो, जो असल में वाकईतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते थे, देखो कि उनकी मोहब्बत का क्या हाल था। और फिर अपने क्योंकि वही एक आईना है हमारे सामने। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत फरमाई है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की, वो बस एक आईना है हमारे सामने, एक मिसाल। इसीलिए मैंने बारहा ये बात अर्ज की है कि हम जब खुतबा पढ़ते हैं तो उसमें एक जुमला आता है, वो क्या आता है, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम ग़रज़ा मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़्ज़ी अबग़ज़हुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में, और मेरे बाद मेरे सहाबा को निशाना ना बनाना। ला तत्तखिज़ूहुम ग़रज़ा मिन बादी, और फिर फरमाया फमन अहब्बहुम, जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा तो मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करेगा। वमन अबग़ज़हुम, और जो मेरे सहाबा से बोझ रखेगा, वह मेरे साथ बोझ है तो सहाबा से बोझ का, इसलिए वो मेरा। तो एक वाक़या लिखा है सीरत की किताबों में कि हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बड़े मारूफ सहाबी हैं और जानिसार हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ग़ज़वे उहद में इनकी शहादत। तो ग़ज़वे उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सहाबा मुंतज़िर थे, बैठे थे, तो सहाबा ने अपनी तलवार निकाली और फरमाया सैफ, कोई है जो इस तलवार को लेना चाहता है? तो तमाम सहाबा मुश्ताक थे, हर एक ने हाथ आगे बढ़ाया। फरमाया ऐसे नहीं, इस तलवार को वो लेने के लिए आगे बढ़े कि जो इस तलवार का हक भी अदा करे। अब सहाबा बैठ गए लेकिन हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और मैं या रसूल अल्लाह मैं इस तलवार का हक अदा करूंगा, आप मुझे अता फरमाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हाँ ए अबू दुजाना तू इसका हक अदा कर सकता है। हदीस में आता है कि अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही यानी हम्बल मिजाज और बड़े ही आजिज सहाबी थे, लेकिन जब मैदान जिहाद में जाते थे तो अकड़ अकड़ के और इतरा इतरा के चलते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू दुजाना अगरचे ये चाल अल्लाह को पसंद नहीं है लेकिन जब तू मैदान जिहाद में ऐसे चलता है तो अल्लाह को भी ये चाल तेरी पसंद, अगरचे ये चाल आम तौर पे अल्लाह को पसंद नहीं कहीं सारे इतरा के चले, लेकिन ए अबू दुजाना जब तू मैदान जिहाद में उतरता तो तेरी ये चाल भी अल्लाह को पसंद। फिर आपने फरमाया अबू दुजाना जानता है इस तलवार का हक क्या? फरमाया रसूलुल्लाह फरमाइए कि इस तलवार का हक क्या। फरमाया अबू दुजाना इस तलवार का पहला हक यह है कि जिस शख्स के हाथ में यह तलवार हो वो जिहाद की पिछली सफों में नजर नहीं आए, अगली सफों में नजर आए, क्योंकि यह तलवार नबूवत है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार अता करदा तलवार है। तो जिसके हाथ में तलवार नबूवत है उसका पिछली सफ में कोई काम नहीं, वो अगली सफों में नजर आए। अबू दुजाना फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर। सुभानअल्लाह, इसके बाद फरमाया इसका एक और हक भी है और ये बात हम सब के समझ लें।
इसलिए कि आज हम पर दाएं बाएं से जो एतराजात होते हैं, जो तानो तशनी होती है, हमें बताना। जाहिर है कि जो आदमी तलवार लेके निकला वो कितना बहादुर होगा। इस्लाम में बहादुरी ये नहीं है कि आप बूढ़ों को कत्ल करें। इस्लाम में बहादुरी का ये तसव्वुर नहीं है कि आप औरतों पर तलवार चला के उन्हें मार डालें। इस्लाम में बहादुरी ये नहीं है कि आप बच्चों को कत्ल कर दें और फना कर दें। इस्लाम में बहादुरी ये नहीं है कि आप दुनिया में मकानों को और हॉस्पिटल को तबाह और बर्बाद कर दें, फलाही इदारों को तहस नहस कर दें, ये नहीं। इसीलिए इस्लाम में ये मना है, हराम है। बूढ़े को कत्ल करना हराम, औरतों पे तलवार उठाना हराम, बच्चों को कत्ल करना हराम, खेतियों को आग लगाना हराम, दरख्तों को जलाना हराम, ये सब हराम चीजें। अगर से आप जिहाद के लिए जा रहे तो फरमाया कि ए अबू दुजाना, इस तलवार का दूसरा हक ये है कि ये तलवार किसी औरत पे ना चला, ये किसी बच्चे पर ना उठे, ये किसी बूढ़े पर ना उठे। ये दो हक। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला की हदीस में आता है, लड़ते रहे अगले सफर। फिर एक मौका ग़ज़वा उहद में आया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हुआ तो अबू दुजाना सीना तान के खड़े हो गए, कमर कर ली, तमाम तीर अपनी कमर पर बर्दाश्त किए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर नहीं आने दिया, और इसी में उनकी शहादत हुई। 70 से ज्यादा जख्म आपकी कमर पर। ये असल में वो मोहब्बत है जो सहाबा ने पाए, इसका नाम असल में मोहब्बत। वो किसी ने कहा है ना कि हाँ वो नहीं वफा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो जान व दिल अजीज उसकी जल्ली में जाए क्यों। वो हजरात हाथ पे अपनी जान लेके फिरते चलते। एक वाकया और हदीस में लिखा है, उस बात खत्म करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश और साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला, ये दोनों मैदान जिहाद में, और दोनों ये कहते हैं कि भाई आज हम दुआ मांगते हैं, लेकिन पहले तुम दुआ करो, मैं आमीन कहूंगा, फिर मैं दुआ करूं, तुम आमीन कह। और ये बात याद रखिए कि जो आदमी आमीन कहे वो भी असल में दुआ मांगने वाले में शामिल है, वो भी दुआ मांग रहा। वो कहता दुआ तो मैं मांग रहा था, तुमने तो दुआ मांगी नहीं, तुमने आमीन कहा है। नहीं, जो आमीन कह रहा है वो भी दुआ मांगने वाले में शामिल है। कुरान करीम में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, हारून अलैहिस्सलाम आमीन कह रहे हैं, उनकी दुआ का जिक्र किया तो फरमाया कद उजीबत दावतुकुमा, तुम दोनों की दुआएं कबूल कर ली। मालूम हुआ कि आमीन कहने वाला भी दुआ में शामिल। अब दोनों बैठ गए, हजरत साद इब्न अबी वक्कास दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मेरा मुकाबला ऐसे ऐसे काफिर से फरमा जो इतना सख्त हो, इतना लड़ाका हो, ऐसा बहादुर हो, और फिर उसके साथ लड़ते लड़ते मेरी जान चली जाए, मैं उसे कत्ल करूं, वो मुझे कत्ल करूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश भी दुआ मांग रहे हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे की दुआ पे आमीन कह रहे हैं। ये वो जज्बा है जो हम और आप इसकी मिसाल दे सकते हैं। बस उलमा ने ज़िमन में एक वाकया लिखा है कि एक सहाबी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो गज़वे में शहीद हो, और शहादत पाने के बाद ये हुआ कि सर काटा, आंख कान काट लिए, नाक काट ली, आंखें निकाल दी, पूरी तरह जिस्म को जख्मी किया, जिसे हम कहते हैं मुसला बना देना, सा के साथ सीन के साथ दी, मुसला बना दी। बहरहाल शहादत हो गई, उनको दफन कर दिया। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे को देखा तो थोड़े गमजदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाया, फरमाया कि तुम्हें बाप की शहादत और बाप के दुनिया से चले जाने का और शहादत पा जाने का गम। फरमाया या रसूलुल्लाह, बेशक मैं गमजदा हूँ, और गम की एक दूसरी वजह यह भी है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहादत तो अपनी जगह एक मकाम है,
लेकिन जिस तरह मेरे बाप को शहीद किया गया, आंखें निकाल ली, कान काट लिए, नाक काट दिया, यूं जख्मी किया, यूं वार किए तलवारों के और नेजों के, या रसूल अल्लाह इससे थोड़े से मेरे दिल में और मलाल। जनाब इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तू जानता है जब तेरे बाप का तेरे अल्लाह के सामने अल्लाह का सामना हुआ तो तेरे बाप ने क्या कहा? सुभान फरमाया रसूलल्लाह मैं नहीं जानता। फरमाया जब तेरे बाप का सामना हुआ तो हक तआला ने फरमाया मांग क्या मांगता है? तू मेरे रास्ते में कान कटवा के आया, गर्दन कटवा के आया, आंखें निकलवा के आया, मांग तू क्या मांगता है? मैं देने के लिए तैयार। तो फरमाया कि तुझे पता है तेरे बाप ने क्या मांगा? फरमाया रसूलल्लाह मालूम नहीं, आप फरमाइए। फरमाया तेरे बाप ने कहा या अल्लाह मुझे एक जिंदगी और दीजिए, मुझे एक जिंदगी और दीजिए, मैं फिर जाना चाहता हूं और काफिरों से मुकाबला करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि फिर इसी तरह मैं तेरे रास्ते में मेरे कान काटे जाए, मेरी आंखें निकाली जाए, मेरी नाक काटी जाए, मेरा मुसला बनाए। ये वो इजहार है, ये वो मोहब्बत और इश्क है जो सहाबा का। तो हमारा हाल तो वही है कि तू बेफ जख्मे गुहे जानी से इश्क, तू बजुज नामे चली दानी से इश्क। बहरहाल ये सब वाकयात इसलिए होते हैं, बहरहाल हम ये नहीं कहते कि हमारे कल्ब में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं है, लेकिन उसको बहरहाल महमेज मिलनी चाहिए, कुछ सोज गुदाज आना चाहिए बस, ताकि हम कम अज कम रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का जब हो तो हमारे दिलों में कुछ आपकी अजमत में इजाफा हो, वो मोहब्बत में इजाफा हो और हम अपनी अपनी जिंदगी को इस्लाम और दीन के मुताबिक बसर करने के लिए आगे बढ़े। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह हम सब ता फरमाए और जो कलिमात मैंने कहे आपने सुने अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वो किसी का वाकया लिखा है के उस आदमी के दाढ़ी तो नहीं थी, दाढ़ी उसके नहीं थी, तो किसी ने कहा भाई आप दाढ़ी रख लीजिए। उसने कहा दाढ़ी रख के क्या करूंगा, जब मेरे आमाल उतने बुलंद नहीं तो क्या करूंगा। उन्होंने कहा नहीं तुम दाढ़ी रखो और एक दुआ भी करो। वो क्या? उसने कहा कि ये कहा करो कि तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे मैं सूरत लेके आया। अल्लाह ताला हमारी सूरतों को कबूल फरमाए और हमारी जो मुशाबहत और शबाहत है अल्लाह उसको हकीकत में तब्दील फरमाए। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। के बाद इंशाअल्लाह दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنا نسألك نعيما لا يرتد اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد أي الله مارا بيتنا قبول فرما مارا كهنا سننا في بارك قبول فرما يا الله بات كهنے میں اگر کوئی لفظ شوق ہوتا ہی اس کو معاف فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں محبت میں اضافہ فرما آپ کی اطاعت کاملہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ قوی و قادر ہے ہمارے ہر ہر عضو پر اور ہماری ہر ہر چیز پر آپ کو قبضہ و قدرت حاصل ہے یا اللہ قادر مطلق ہے ہم سب کو یا اللہ اپنے احکامات پر چلنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی آج کی محفل میں آئے یا اللہ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہم سب کو بخش دے اور معاف فرما دے اے اللہ جو جتنی بھی نیک تمنائیں ہیں اور آرزو ان کو پورا فرما دے جو ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں اور جو ہمارے مسلمان بھائی بہن بیمار ہیں دنیا میں جہاں جہاں جس جس کونے میں بھی ہیں اے اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اور یا اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں جہاں جہاں بھی کہیں بھی گزر گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما ان کی نجات فرما اور تمام عالم کے مسلمانوں کی یا اللہ امن و عافیت کی زندگی نصیب فرما اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی دیننا و دنیانا و اہالینا و اموالنا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربنا زدنا علما اللہم اغفر لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.